जगदेव बाबू बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जब अंग्रेजों का राज था तो 10 कौन थे? 10 अंग्रेज थे। बिहार के दो मीडिया में हमें एक प्रिंट मीडिया और एक विजुअल मीडिया में जो आया, तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया गया, अपना इंटरप्रिटेशन किया गया हमारी बातों को लेकर। और हमने कहा था कि मंदिर में घंटी जिनको बजाना चाहिए था, मेरा वक्तव्य जोगी जी पर था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देश में 10% वाले अंग्रेजों के दलाल हैं, मंदिरों में घंटी बजाया करते थे। राजद के मंत्री की ओर से जब से ये बयान आया है, तब से बिहार में एक बार फिर से सियासत चल पड़ी है। इस बयान की भत्सना की जा रही है तो कई लोग इसके समर्थन में भी खड़े हैं। राजद कोटे से मंत्री, बिहार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ये बयान दिया, जिसके बाद अब वो सफाई दे रहे हैं और इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। कल भागलपुर में मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के जन्म शताब्दी समारोह जो 1 फरवरी को पटना में होने वाला है, उस संदर्भ में मैं भागलपुर गया था और मैं जगदेव बाबू के विचारों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच मैं कुछ बोल रहा था। बोलने के क्रम में हमने उनके विचारों को रखा और उन विचारों के क्रम में हमने यह भी कहा कि जो जगदेव बाबू बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो ये 10 जो है वो भी बदलते रहते हैं और 90 भी बदलते रहते हैं। वो परमानेंट, एक समय जब अंग्रेजों का राज था तो 10 कौन थे? 10 अंग्रेज थे, 90 हम थे। अंग्रेज जब चले गए देश को छोड़ के, तो जो अपने पिट्ठुओं को रख गए वो 10 थे जो गरीबों पर अत्याचार करते थे, और 90 हम लोग थे। यह लड़ाई बहुत स्वाभाविक लड़ाई समाजवादी देश में होती है। तो इस क्रम में हमने ये कहा, लेकिन स्थानीय बिहार के दो मीडिया में हमें, एक प्रिंट मीडिया और एक विजुअल मीडिया में जो आया, तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया गया, अपना इंटरप्रिटेशन किया गया हमारी बातों को लेकर। और हमने कहा था कि मंदिर में घंटी जिनको बजाना चाहिए था, मेरा वक्तव्य जोगी जी पर था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि वो एक महंत थे, मंदिर में घंटी बजाते थे, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग आके मंदिर में घंटी बजाइए। इस संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर और जाति आधार को लेकर पेश किया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ देश के बड़े बड़े समाजवादी नेता रहे, जिसमें मधुलिमय थे, जिसमें डॉक्टर लोहिया थे। मधुलिमय तो खुद ब्राह्मण थे, डॉक्टर लोहिया भी उच्च वर्ग के थे, और बीपी सिंह जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, वो हम लोग के बीच पूजनीय है। जाति विशेष की बात करके और इस तरह का दुर्भावना फैलाने की इस कोशिश का को मैं कंडेम करता हूँ। और मैं मुझे बहुत इस बात के लिए काफ़ी अंदर से तकलीफ है कि पूरा बिहार जानता है कि आलोक मेहता, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि आलोक मेहता सभी को मिलकर जुलकर और सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे में हमारे चरित्र पर इस तरह का जो उछालने की कोशिश की गई है, मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि वो अपना बयान वापस लें, या उनको उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको वापस लें। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, किसी के आप अपने इंटरप्रिटेशन और अपने विश्लेषण के आधार पर किसी के बारे में ओपिनियन। तो सुना आपने, आलोक मेहता कह रहे थे कि किसी जाति विशेष को टारगेट करके ये बयान नहीं दिया गया, और इस बयान को वो कैसे बता रहे हैं, आप समझिए अपने बयान को। पहले तो वो तुलना कर रहे हैं अंग्रेजों के शासन से, कह रहे हैं कि जब अंग्रेज 10% से थे तो हम 90 लोगों पर राज करते थे, और जब अंग्रेज चले गए तो अपने 10 लोगों को छोड़ के गए, वो 10 लोग 90 लोगों पर राज करते थे। रही बात घंटी बजाने की, तो मंदिर में घंटी बजाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे सफाई तो देने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने ये बातें योगी के संबंध में कही थी, उनके संदर्भ में कही थी, जो यूपी के सीएम है, बोले कि उनको घंटा बजाना था लेकिन वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो आलोक मेहता ने अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन 10% के उनके बयान के बाद अब राजद के तमाम नेता, तमाम विधायक, उनके समर्थन में भी कुछ लोग आ गए हैं। जैसा कि आपने मुकेश रोशन को सुना, उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ये 10% लोग अंग्रेजों के दलाल नहीं तो और क्या। अब देखते हैं कि आलोक मेहता की ये सफाई नेताओं को कितनी रास आती है, जनता को कितनी रास आती है, 10% वालों को कितनी रास आती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।